शादी के कुछ दिन पहले एक लड़की एक स्ट्रेंजर के चक्कर में फंस जाती है। स्ट्रेंजर काफ़ी ख़तरनाक था और उसे अपने प्यार से उसे जाने नहीं देना चाहता था। हेलो फ्रेंड, आज हम ब्रेकिंग वाउस 2016 हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं। मूवी में काफ़ी ट्विस्ट और सेंटेंस आता है, इसी के लिए मूवी अंत तक जरूर। मूवी की शुरुआत अपने मेन करेक्टर तारा को जो देखते हैं, जो कि अपने ऑब्जेक्शन कली के साथ काफ़ी खुश नहीं होती, क्योंकि उसका कली उसे धोखा दे रहा होता है और वह उसके ऊपर काफ़ी दया भाव दिखाती है और उससे वह शादी करना चाहती है। तभी हम देखते हैं कि वह एक पार्टी में आई हुई है और वह वहाँ पे एक बारटेंडर के पास जाती है और उसे बियर की बोतल ऑर्डर करने के लिए, लेकिन बारटेंडर उसे ही फ्लैट करने लगता है। और बारटेंडर का नाम था जिसका नाम था बैट्रिक और तारा आपस में काफ़ी बात करने लगते हैं। बैट्रिक लाइक करता है, तभी वहाँ देखते हैं कि एक बार टेंडर उससे बार बार कह रहा होता है कि मुझे भी दे दो। तभी वह बैट्रिक ऊपर चिल्लाने लगता है, बैट्रिक काफ़ी गुस्सा हो जाता है, बैटरी उसके कान में कुछ कहता है। इससे हमें यह पता चलता है कि बैटरी काफ़ी ख़तरनाक आदमी है। और तभी वहाँ पर देखते हैं कि तारा को वो फ्लर्ट करने लगता है और तभी हम देखते हैं कि बारटेंडर और तारा में काफ़ी अलग ही। तभी तारा की फ्रेंड कर रहे हैं तुम्हारा बारटेंडर तुम्हारा वेट कर रहा है। तभी सभी को पता था कि बारटेंडर और तारा में काफ़ी देर से फ्लर्टिंग चल रही है। और तभी वहाँ पे तारा के पास बारटेंडर आता है और उसे अपने मोबाइल में अपना नंबर दे कर उसे मिस कॉल कर देता है और तारा वहाँ से चली जाती है। तारा को अगले दिन वह कॉल करता है, उसे बारटेंडर पर ही लाना चाहता है, लेकिन वो तारा जाती नहीं और वह वहाँ से चली जाती और अपने फियांसे के साथ ही रहना जिसका नाम माइकल है, माइकल के साथ वह रहना चाहती। तभी अचानक उसे बार में चली जाती है फिर तारा और वह बारटेंडर उसे जबरदस्तन और उसे फ्लर्ट करने लगता है और यहीं भी दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और तभी वह तारा उठती, तभी बारटेंडर बोलता है कि तुम्हारा कपड़ा मैं सुखा दी हूँ। तभी उसे एक कोट मिलती है, खाली वर्ली कोट थी, वही वह तारा उसे पहन लेती है। तभी बारटेंडर बताता है कि मैं तुम्हारे जाने के बाद मैंने अपने हाथ पे तुम्हारे नाम का टैटू बनाया, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। लेकिन तारा कहती है ऐसा कुछ मत करो क्योंकि मैं अपने फियांसे के साथ वेडिंग करना चाहती हूँ जिस माइकल के साथ और मैं उससे ही शादी। तभी वहाँ से देखते हैं कि तारा अपने हाउस पे आई हुई है, उसे काफ़ी बुरा लगता है। उसकी फ्रेंड जिसकी नाम डेवरी है उसे समझाती। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बैटरिक जो है वो तारा के बारे में सभी कुछ इन्फॉर्मेशन जान। तभी वहाँ पे देखते हैं कि माइकल आया हुआ है तारा को वेटिंग कर। डेवरी और तारा दोनों फ्रेंड होते हैं और वह डेवरी बताती है कि तुम्हें बारटेंडर के बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताना है माइकल को। माइकल काफ़ी खुश रहता है, माइकल उसे धोखा, लेकिन बेचारे के चक्कर में यहाँ पे तारा उसे धोखा नहीं देना चाहती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ बैटरी काफ़ी उसके जो सभी जगह जिस वेडिंग के शादी के लिए बताया और वह अपने बेटे को बताता है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। तभी हम देखते हैं बैटरी सभी जगह की कैंसिल कर देता है वेडिंग के लिए। तभी वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर बैटरी भी आया हुआ है। बैटरी काफ़ी तारा से काफ़ी गुस्सा होता है और इस बात से तारा काफ़ी अपने आप को नर्वस फील करती है और उसे लगता है कि जो उसने किया काफ़ी गलत किया है। तभी हम देखते हैं कि तारा को लगता है शावर से आवाज़ आ रही है कि बैटरिक नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर देखते हैं बैटरिक था, बैटरिक उसके पास आ गया तो अलग ही सिटी में। तभी हम देखते हैं कि बैटरिक उससे काफ़ी लाइक कर रहा होता है और बैटरिक और तारा को काफ़ी चाहता था बैटरिक, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि माइकल भी आने वाला था। तभी यहाँ पर तारा बैटरिक को समझाती है कि मेरे कली को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुम्हारे रिलेशनशिप में हूँ। तभी बैटरिक सोचता है कि लगता है कि कली को ये छोड़ देगी तारा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं होता है। और तभी उसे बार बार
मना करने पे तब भी उससे समझाती है कि मैं चलो तुमसे कल एक क्लब में मिलती हूँ, और तभी वह कैफ़े में मिलने के लिए प्रॉमिस करती है कि अगले दिन मैं तुमसे क्लब में मिलूँ। तभी वहाँ देखते हैं माइकल आने वाला ही होता है, तभी वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ देखते हैं कि माइकल और बैटरी, माइकल और तारा आपस में बात कर रहे हैं। तो तारा काफ़ी नर्वस होती है, कहती है कि मैं काफ़ी वह सोच सोच के काफ़ी दुखी हो रहे। लेकिन माइकल कहता है पुरानी बातें भूल जाओ, उससे याद करने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। इस बात से माइकल को तारा काफ़ी अच्छा लगने लगता है। तभी देखते हैं बैटरी सुबह होने से पहले, कैफ़े खुलने से पहले वहाँ पे आ जाता है और तारा का इंतज़ार करने लगता है। और तारा आज माइकल से बताती है कि तभी वहाँ पर देखते हैं डेवरी भी आई है। डेवरी तारा और माइकल को बताती है कि तभी वहाँ देखते हैं माइकल को बताती है कि हमें आज बहुत ज़रूरी काम है और ज़रूरी काम से जाने वाले। तभी वहाँ पर देखते हैं डेवरी तारा को बताती तो तभी तारा बता देती है कि मैं माइकल से मिलने जाए, उसे कैफे में बुलाए हूँ। तभी वहाँ पर डेवरी उसे मना करती, कहती है तुम जाओगे तुम्हें वह धमकी देगा और धमकाएगा और तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस ऐसे जोते जोते पूरा दिन बीत गया। तभी वो उसके फ़ोटो को देख कर तभी उसे काफ़ी जेलियस फील हो रहा होता है। और डेवरी और तारा एक आए हुए हैं और उन्हें पता चलता है कि उनका सारा वेडिंग जो हुआ है सभी कैंसिल हो, क्योंकि वह तो बैटरी काफ़ी उसे परेशान कर रहा होता है और तभी वह काफ़ी डिस्टर्ब होती है। तभी हम देखते हैं कि एक बॉय के पास फ़ोन नहीं लगता है। तभी वहां पे तारा चली जाती है और उससे मिलने के लिए। तभी वह सिचुएशन को काफ़ी हैंडल करना है, सिचुएशन बिगड़ने वाला, तभी वह कंट्रोल कर लेती है। नहीं सिचुएशन काफ़ी वेडिंग के लिए बहुत ज़्यादा गड़बड़। तभी वह देखते हैं बैटरी उसके सिस्टर की कलिंग सिस्टर का फ़ोटो देख लेता है और उससे मिलने के लिए सोचता है। तभी वहाँ पर डेवरी और तारा आपस में बात कर रही होती है, कहती हैं कि जो मैंने बैटरी के साथ किया वो काफ़ी गलत है, लेकिन यहाँ पर हम लोग की लाइफ है, हम भी इंजॉय करना चाहते हैं। तभी वह जांचने वाले के एक गुप्तचोर लगा देती है गुप्तचोर। और तभी यहाँ देखते हैं कि उसके बारे में काफ़ी चीज़ पता चलता है। बताते हैं कि उसकी ये उसका अपने सिस्टर के साथ लव चल रहा होता है, लेकिन उसका सिस्टर उससे मना कर देती है। तभी वहाँ उसे आग लगा देता है और सिस्टर उसे बचा लेती है, वो मर जाता है। तभी वो बताता है कि उसका एक नर्स के साथ भी चक्कर चल रहा होता है और वह नर्स से काफ़ी प्यार कर, लेकिन नर्स उसे मना करने लगती है, लेकिन वह नर्स की बात नहीं मानता। अब फिलहाल ही नर्स का डेथ हो चुका है कुछ दिनों पहले और काफ़ी ख़तरनाक आदमी है बैटरी, इसी से उन लोग को पता चल जाता है। तभी वहाँ पर देखते हैं कि गुप्तचर जो सोचता है कि मैं उसे काफ़ी कंट्रोल कर लूँगा और मैं बैटरी को समझा दूँगा। तभी बैटरी देखते हैं कि इमली के पास आया हुआ है, इमली जो कि तारा की सिस्टर है, और उसके हॉर्स को काफ़ी सहलाने लगता है और उसे वह फ्लड भी करने लगता है, उसके बारे में काफ़ी कुछ पूछने लगता है, कहते हैं तुम कितनी बहन हो। तभी वहाँ पे देखते हैं कि इमली कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हो, फालतू क्वेश्चन बहुत पूछते। तभी वह वहाँ से उसे यहाँ देखते हैं इमली उसे लाइक करने लगती है बैटरी को और उसे बार बार मुड़ मुड़ देखने लगती है। यहाँ पे बैटरी देखते हैं कि तारा के होटल में आया हुआ है क्योंकि उसे सारा। तभी वहाँ पर वह इमली को देखता है, इमली के पास वह जाके काफ़ी चीज़ें पूछने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो माइकल के पास आया है और माइकल को बताना चाहता था कि मैं तारा का एक्स बॉयफ्रेंड। तभी माइकल को पता था, लेकिन माइकल सोचता है कि सभी लोग जो बीत गया तो बीत गया। तभी वो माइकल कहता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है तारा का, चाहे जो रिलेशनशिप हो मुझे कोई परेशानी नहीं है और मैं जानता हूँ कि तुम उसका बॉयफ्रेंड हो। तभी देखते हैं कि माइकल की गर्लफ्रेंड एवी आई हुई है, एवी के बारे में सोचता है, लेकिन वह सोचता है कि मैं तारा से ही शादी करने के लिए वह शोर था। इसीलिए इमली बताती है कि बैटरी काफ़ी अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि तारा उसे समझा रही होती इमली को और इमली समझती नहीं, इमली को लगता ही नहीं। तभी देखते हैं कि काफ़ी डिप्रेशन में होने के बाद बैटरी एक अपना नोट पैड में लिखता है, इस नोट पैड तारा के बारे में लिखते लिखते 3 पेज भर दिया होता है और वह तारा से मिलने आया हुआ होता है। अब तारा को अपना नोट पैड दे देता है
और तारा से कहता है मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा हूँ। तभी हम माइकल और तारा को देखते हैं। माइकल काफ़ी तारा से काफ़ी अच्छे से फ्लर्ट होने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बैटरी अपना लेटर दिया हुआ है, और तभी तारा उसे भी पढ़े जला देती है, लेकिन बैटरी ऊपर से खड़ा होकर देखता है। उसे काफ़ी जेलस फील होने लगती है। माइकल और तारा आपस में बात करें, माइकल को आज तारा सब कुछ बताने वाली थी मेरे साथ क्या क्या हुआ, लेकिन यहाँ पे माइकल कहता है मुझसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, हम लोग प्रेजेंट में जिएंगे, हम लोग बात पास्ट की बातें भूल। तभी हम देखते हैं कि माइकल एक वेटर का काम के चक्कर के बहाने वेडिंग में आया हुआ है, और वह इंग्लिश से बात कर। तभी वहाँ देखते हैं डेवरी आ जाती है। डेवरी कहती है तुमसे तारा मिलना चाहती है, वो उससे काफ़ी खुश होता है। और तभी वहाँ देखते हैं गुप्त टीचर तो बैटरी को काफ़ी मारता है और उसे मार देता है, और शादी में कोई दिक्कत नहीं होती वेडिंग में। और तभी यहाँ पर बैटरी काफ़ी गुस्सा होता है डेवरी के ऊपर, डेवरी के को कुछ बहाने के बारे में बुलाता है और डेवरी को गुस्से में जान से मार देता है। तब उसके बाद हुआ उसे पता चलता है कहाँ गए हैं दोनों हनीमून के लिए तारा और माइकल। तभी यहाँ देखते हैं कि होटल की अचानक लाइट चली गई है, और तभी वहाँ पे बारटेंडर जो होता है वह वहाँ पे जाता है होटल मालिक। तभी देखता है कि तभी हमें पता चलता है पैट्रिक ने ही लाइट को हटा दिया। तभी वहाँ पे देखते हैं कि माइकल वहाँ पे जा रहा होता है, और वो लाइट कुछ ठंड लगने लगती है उसे चद्दर लाने के लिए, लेकिन यहाँ पे माइकल और बैटरी में फाइट हो जाती है, और माइकल के सर पे चोट होने का माइकल बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पे देखते हैं पीछे से बैटरी का आता है, उसके गर्दन पे एक चाकू रखता है, और चालाकी से यहाँ पे देखते हैं तारा अपने हाथ से एक लकड़ी उठाती है और बैटरी के सर पे मार देती है, और तभी उसे आग से मार दे क्योंकि आग से बचपन से डर रहा था। तभी वहाँ से बैटरी भाग गया। तभी माइकल अभी भी जिंदा है, तारा उसे लेके जा रही होती है। तभी वहाँ देखते हैं कि बैटरी भी देख लेता है और माइकल से पूछता है तारा कहाँ, तब माइकल को जान से मार। तभी यहाँ पर तारा आ जाती है, तारा उसे जान से मार देती है, दोनों रोने लगते हैं माइकल और तारा। तभी हम देखते हैं कि बैटरी काफ़ी अच्छा आदमी नहीं होता है, और माइकल बैटरी से बच जाता है, और वह तभी यहाँ पे देखते हैं कि तारा को पता चलता है वो प्रेग्नेंट है। उसे मालूम पड़ जाता है कि बैटरी के बच्चे की माँ बनने वाले हैं, उसे इस बात के लिए हमेशा अफसोस रहेगा, उससे हमेशा लाइव। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर करें, अपना भी ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।